नेता विरोधी दल तो प्रदेश में 2012 से 2017 के बीच में मुख्यमंत्री के पद पर भी प्रदेश को अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और सप्लीमेंट्री डिमांड्स के बारे में थोड़ा जानकारी और अच्छी ले लेते तो संभवतः उससे ज्ञान वर्धन होता। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश अपनी अराजकता, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था और यहां के युवाओं के लिए पहचान का संकट वाला उत्तर प्रदेश बन गया था। आज यहां पे जो चीजें चल रही थी अनुपूरक बजट के बारे में, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि नेता विरोधी दल तो प्रदेश में 2012 से 2017 के बीच में मुख्यमंत्री के पद पर भी प्रदेश को अपनी सेवाएं दे चुके हैं, कई बार संसद में भी रहे हैं और सप्लीमेंट्री डिमांड्स के बारे में थोड़ा जानकारी और अच्छी ले लेते तो संभवतः उससे ज्ञान वर्धन होता, अन्य अपने समाजवादी सहयोगियों को भी वह अच्छी तरह बता सकते थे। खैर, चार बार प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अलग अलग समय में उन्होंने यहां पे प्रदेश में कार्य किया, लेकिन 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के बारे में, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश अपनी अराजकता, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था और यहां के युवाओं के लिए पहचान का संकट वाला उत्तर प्रदेश बन गया था। और महोदय, 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज यही उत्तर प्रदेश है, देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। आज मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, ये हमारे माननीय सदस्यगण भी देश के अंदर जाते होंगे, एक सामान्य नागरिक के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में आज उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली हैं और उत्तर प्रदेश को आज लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। ये बदले हुए प्रवेश का, ये नए उत्तर प्रदेश का, ये नए भारत का वह नया उत्तर प्रदेश है जिसके बारे में आज लोग एक नई धारणा बनाते हैं। उनका दृष्टिकोण बदला है, जैसे दुनिया का दृष्टिकोण भारत के प्रति बदला है, ऐसे ही देश और दुनिया की धारणा उत्तर प्रदेश के बारे में भी बदली है और हर व्यक्ति बहुत सम्मानजनक ढंग से देखता है। ये परसेप्शन ही उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पहचान है। हां, $1 trillion की इकोनॉमी बनने की दिशा में हमारी सरकार के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, हम लोग आज भी अपनी उन बातों को लेकर के पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्यों को भी प्रसन्नता होनी चाहिए कि अगर हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा, आर्थिक प्रगति करेगा, इस आर्थिक प्रगति का लाभ भी प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से सभी को मिलेगा, पूरे प्रदेशवासियों को मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।